केंद्र सरकार है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को बेच कर कहीं ना कहीं सरदार पटेल जी का नाम लेके उनके साथ उन्होंने छल किया। आज कश्मीर से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर आज भी जल रहा है। भारत को एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए चाहे जो भी करना पड़े हम लोग रुकेंगे नहीं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की आज 148वीं जयंती के अवसर पर उन्हें नमन किया गया, उन्हें याद किया गया। देखिए, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हमारे देश के लिए जो कुर्बानी दी, जो उन्होंने संघर्ष किया, आज की युवा उसे अगर माने, उनके आदर्शों पर चले तो काफ़ी बड़ा बन सकते हैं, जीवन में काफ़ी कामयाबी हासिल करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर नालंदा की हिलसा की हैं, जहाँ पर जनाधिकार पार्टी की ओर से राजू दानवीर ने इस कार्यक्रम में शिरकत किया, 148वीं जयंती समारोह में शिरकत किया। राजू दानवीर जनाधिकार पार्टी युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और उन्होंने कहा है कि आज सरदार पटेल का नाम लेकर बड़ी बड़ी राजनीतिक दलें जो हैं, खासकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है, केंद्र सरकार खूब वोट ले रही है लेकिन बदले में क्या दे रही है जनता को, युवाओं को क्या दे रही है। आज देश के कई हिस्से, कई राज्य जल रहे हैं लेकिन फिर भी केंद्र में बैठी हुई सरकार गूंगी बहरी बनकर मौन है। केंद्र सरकार पर, मोदी सरकार पर खूब हमलावर हुए राजू दानवीर। तस्वीर आपको वहाँ की दिखा रहे थे, माल्यार्पण किया है, श्रद्धासुमन अर्पित किया है और बड़े कार्यक्रम में शिरकत करते हुए राजू दानवीर ने क्या कहा है, जरा सुनिए। यहाँ पर हजारों की संख्या में जो युवा आए हुए हैं, इन सभी युवाओं ने एक सूत्र में संकल्प लिया है कि जो भी वर्तमान सरकार है, जिसने सरदार वल्लभ भाई, जो केंद्र सरकार है जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम को बेच कर और कहीं न कहीं प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, ये दोनों ने भारत को जो दिखाया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत दिखाया था, कहीं ना कहीं सरदार पटेल जी का नाम लेके उनके साथ उन्होंने छल किया। आज कश्मीर से मणिपुर जल रहा है, मणिपुर आज भी जल रहा है और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी, मणिपुर का कोई खोज खबर नहीं है, उन्हें चुनाव से फुर्सत नहीं है, चुनाव के प्रचार से फुर्सत नहीं है। आज कहीं ना कहीं जितने हजारों युवा जो आए हैं, पटेल सेना के जो हमारे साथी हैं, इन सभी ने एक संकल्प लिया है कि भारत को एकता, अखंडता और संप्रभुता के लिए चाहे जो भी करना पड़े हम लोग रुकेंगे नहीं, क्योंकि सरदार पटेल जी कहीं ना कहीं भारत देश को एक सूत्र बांधने का, पिरोने का एक प्रेरणा थे, जिसे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने भुलाने का काम किया है। तो जाप के युवा के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवीर ने क्या कुछ कहा है, मैं आपको इस वीडियो में सुनवाया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के नाम पर लोग वोट बैंक की राजनीति तो खूब करते हैं, वोट लेते हैं लेकिन फिर पता नहीं क्यों उन युवाओं को भूल जाते हैं जो जाति की राजनीति में फंसे हुए हैं। ज़रा युवाओं को भी अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, कौन आपके लिए सही है, कौन बेहतर है, निर्णय आपको करना है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।